डेरियन गैप कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसकी वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 बार इस पूरे एरिया को किसी भी कार के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डेरियन गैप के थ्रू मेक्सिको और फिर यूएसए जाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से करीब 100 लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है, और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 कारण हैं। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डेरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है, और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं और पूरे साल यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट हो या सीमेंट, इन सबको सूखने के लिए ड्राई और गर्म मौसम चाहिए, और अगर इस सब का तोड़कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे डेंजरस चीज है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डेरियन गैप में है, क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल, घर, कुछ भी नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको काट जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक्सपेंसिव जरूर होगा, मुश्किल भी होगा, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल बनाने की कोशिश ही नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पनामा। दरअसल 19 सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस होता था, मगर इसी डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रास्ता था, और वो था समुद्र के रास्ते। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 20th सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा कनाल में बहुत दिलचस्पी थी और वो चाहता था कि इस कनाल का कंट्रोल उसके पास हो, क्योंकि पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था, तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिसकनेक्टेड थी, और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप्स बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त यह कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो भी पनामा कनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था, और इसीलिए अमेरिका ने पनामा की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका भरपूर साथ दिया, और नतीजतन 1993 में पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और अमेरिका पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला कंट्री था। अमा की गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका को इस कनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट लीज पर दे दी, और 1990 तक यह सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर 1990 में इस कनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी यह चौक पॉइंट अमेरिका और बाकी देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच इस चौक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को आपस में कनेक्ट करती है।
हर साल करीबन 13,000 से 14,000 कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डेरियन गैप पर आए तो यह कोलंबिया और पनामा के बीच में है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहां की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और यह सब यहां से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है, लेकिन इस डेरियन गैप की वजह से यह स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को समुद्र का रास्ता लेना पड़ता है, जहां पर पनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर यहां पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खतरा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहां से पनामा में पहुंचकर पनामा कनाल को डैमेज ना कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर यहां से मेक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहां पर कोई रेल रोड नेटवर्क बनाने का अग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहां पर की किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अब हम आते हैं डेरियन गैप को डेवलप ना करने की आखिरी रीजन पर, और वो है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर देश करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपनी कंट्रीज छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वह इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डेरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इसी गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मेक्सिको के थ्रू अमेरिका में एंटर होते हैं, लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डेरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, डाकू, 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर्स में इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस डेरियन गैप में कोई रेल रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता, और शायद आगे आने वाले कई सालों में ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है? जहां एक दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है, वहीं बाकी कंट्रीज गरीबी और भूख के दलदल में क्यों धंसे हुए हैं? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।